दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज विक्रांत फ्रॉम ग्रीन माइल्स। और ये सुबह के बजे हैं अभी 4:45, और अब मैं निकलने की तैयारी कर रहा हूँ नेपाल की। तो लेट्स स्टार्ट राइड विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलो, पहला स्टॉप 100 किलोमीटर बाद दिल्ली से, मुरादाबाद से 70 किलोमीटर दूर। और यहाँ रुके हैं चाय के लिए। ये आया है जी गढ़गंगा, जहाँ पर मोस्टली हरियाणा, फरीदाबाद, यूपी के कुछ जगह पे कोई गुजर जाए तो उसकी जो अस्थियाँ हैं वो यहाँ पर बहाई जाती हैं गढ़गंगा में। और हम अब गढ़गंगा के पास पहुँच गए हैं। अब मोस्टली यहाँ पर वही लोग आते हैं, तो सुबह की भीड़ ज़्यादातर वही है जो अस्थियाँ बहाने आई हुई हैं। हमारी भी अस्थियाँ यहीं बहाएंगी। हमारे भी धर्म के हिसाब से हमारे घर के जितने भी मेंबर का कुछ होता है तो उनकी अस्थियाँ गढ़गंगा में ही, और साथ साथ लिखाया जाता है क्या क्या ट्री प्लांटेशन है इनके घर की, बच्चों की। और ये गंगा रिवर है जिसको हम क्रॉस करेंगे। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर गढ़गंगा में, लगता है कुछ ज़्यादा ही लोग टपक गए हैं जिसके कारण इतनी भीड़ है, या फिर कोई मेला वेला लगा होगा। अब ये जो पुल है ये क्रॉस होगा माँ गंगा के ऊपर से, तो हम गंगा मैया के ऊपर से जाएंगे। बोलो गंगा मैया की जय, ओ शंकर भगवान की। ये देखो गंगा मैया के नज़ारे करो। ओहो, मुरादाबाद के पास हम पहुंचने वाले हैं। और मेरी आंखों में फुल नींद चढ़ी हुई है सुबह जल्दी उठने के कारण, मे भी रात को लेट सोने के कारण। अभी ऐसी हालात है, अगर व्लॉगिंग ना करूं तो मैं तो सो ही जाऊंगा। फुल ऑन नींद आ रही है भैया, भयंकर वाली। और अभी हम दिल्ली से करीबन 172 किलोमीटर चला चुके हैं और नींद का आलम ऐसा है कि आँखें झप झप कर रही हैं। सोच रहा हूँ एक घंटे का ब्रेक ले लूँ, रुक के कहीं एक अच्छा सा ढाबा मिल जाए जहाँ खाट वाट डली हो, अपने आराम से थोड़ी देर सो के फिर निकलता हूँ। क्योंकि अभी तो बजे हैं 8:20 और उस हिसाब से स्पीड भी हमने आज अच्छी खासी कवर कर ली। मतलब हम 9 बजे तक 200 किलोमीटर ऑलमोस्ट कवर कर लेंगे। इट्स अ गुड फ्रॉम द मॉर्निंग, गुड अचीवमेंट। तो अब लगता है मुझे सोने का टाइम आ गया है। पंजाब टूरिस्ट ढाबा, और यहाँ रुके हैं अभी ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकलते हैं। मज़ेदार जगह लगी और अच्छा नाश्ता मिला। यहाँ मिला कमर सीधी करने का मौका। चलो जी चलते हैं, बाय बाय, धन्यवाद। शेर पंजाब ढाबा एक अच्छा ढाबा। सबसे अच्छी बात तो टॉयलेट बड़े क्लीन थे। हाँ, अच्छा लगा। फ्रेश वगैरह होके अब यहाँ से निकलते हैं। अब हम सीधा का सीधा क्या नाम है बनाबसा जो बॉर्डर है वहीं रुकेंगे अब सीधा। और कोशिश रहेगी कि अगले 2 घंटे या फिर 1.5 घंटे अपने 1 बजे तक बनबसा पहुँच ही जाएँ। चलो लेट्स स्टार्ट। प्रदूषण तो हर जगह करने लग रहे हैं यार, एक कूड़ा घर बना रखा सारे देश का, हद हो गई। ये पहुंचने वाले हैं हम बनबसा। बनबसा के यहाँ से
ब्रिज क्रॉस करके हम जाएंगे नेपाल की तरफ, एंट्री करेंगे। और एंट्री करते वक्त गाड़ी के लिए भंसार वगैरह जमा कराना पड़ेगा, तो आपको सारा प्रोसीजर दिखाता हूँ नेपाल घुसने से पहले क्या क्या है। हाँ, और एक और चीज़, बाइक का ना पॉल्यूशन वगैरह सब डॉक्यूमेंट तैयार करके चलना। मेरा पॉल्यूशन नहीं था क्योंकि नई गाड़ी खरीदी थी, एक साल तक वैलिड होता है, लेकिन मेरे एक साल कंप्लीट हो गए थे, तो मेरे को थोड़ा आगे तनकपुर की तरफ जाना पड़ा, बनबासा से थोड़ा आगे करीबन 6-7 किलोमीटर अपना पॉल्यूशन कराने के लिए। अगर आपका ना हो तो रास्ते में मिले उसी से करा लेना, नहीं तो 7-8 किलोमीटर की खाम खा की पिलाई होगी। है देवो रोड, क्या शानदार है। ये नदी है जिससे नेपाल और इंडिया अलग होता है। इस तरफ इंडिया है, वो सामने नेपाल है। तो अभी हमें पुल क्रॉस करने जा रहे हैं, उससे पहले भंसार जो जमा होगा वहाँ पर पहुँचते और सारी डिटेल आपको बताते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या नहीं है। चलो 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 नेपाल चलो। एक ये गेट खुल गया, ये 2 से 4 का टाइम है, 10 से 12 का टाइम है, सुबह 6 से 8 का टाइम है और भी शाम के 6 से 8 का टाइम है, जिससे नॉर्मल बाइक तो निकल सकती है, बट अगर आपकी बाइक में सामान है या बड़ी बाइक है या गाड़ी है तो आपको ये वेट करना पड़ेगा। 2-2 घंटे के गैप में है, सुबह 6 बजे स्टार्ट हो जाता है और शाम के 8 बजे तक रहता है। 2-2 घंटे के गैप में गेट खुलता है 2 घंटों के लिए। तो ये अब हमारा नेपाल का बॉर्डर है, अब हम एंटर कर रहे हैं नेपाल में। भैया भंसार कहाँ बनेगा, सीधा चला जाऊँ? अभी हम नेपाल के बॉर्डर से जा रहे हैं और भंसार आगे जाके बनेगा। ये नदी है जो अलग करती है नेपाल को और इंडिया को। आ जाओ अंकल, बैठो, छोड़ देता हूँ, बैठो बैठो, थोड़ा टांगे ऊपर करके बैठो। पैर रखने का है ना, इधर नीचे बैठो आप। अरे यहाँ देखो, ये रहा, ऐसे इधर है, बैठ गए। चलो ये इतना लंबा पुल पैदल क्रॉस करने वाले थे। अच्छा, ओहो, तो अभी जा कहाँ रहे हो, घर? अच्छा, आप नेपाल में ही रहते हैं, फिर तो ठीक है। तो मुझे अब जाना है चीसा पानी। काफी दूर है क्या? 3 घंटे लगेंगे ना। हाँ तो ठीक है, अभी तो 2 ही बजे हैं, 5 बजे तक 6 बजे तक पहुंच जाऊंगा, है ना? ठीक है, फिर तो आज चीसा पानी में ही रुकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कल के लिए। अब ये इसी पे चलता रहेगा, बहुत स्लो चला रहा है तो। ये भी ब्रिज काफी बड़ा है ना? अब वाले लोगों से थोड़ी बनेगा ऐसा। ये ट्रेन जाने का बनाया हुआ है। अच्छा, इधर से उधर आता था। अभी मुझे भंसार बनाना है अंकल, भंसार। तो ये गाड़ी बाइक अंदर ले जाने का। हाँ, अब ये वाला गेट खुलेगा। तो लेकिन भंसार तो बनवाना पड़ेगा ना भैया। कागज किससे बनवाएं? यहाँ पर ऑफिस होगा? यहाँ पे इंडिया आएगा। अच्छा, अभी इंडिया में ही है अभी। अच्छा, नेपाल आया नहीं अभी तक? ओहो, ये मतलब कूदने के बाद भी अभी इंडिया ही है, कमाल हो गया। ये तो कस्टम ऑफिस ही रहा। तो मैं सीधा, अब नेपाल कब आएगा बॉर्डर?
और भी 1 किलोमीटर बाद नेपाल है। ओहो, मैं तो सोचा कि ये जो नदी के इस तरफ है नेपाल है और इस तरफ वो है। हाँ अभी तक देखो, हाँ ये रहा इंडिया का झंडा। चलिए फिर आप चलिए, मैं कराता हूँ एंट्री। अब ये नेपाल की एंट्री के बाद अब क्रॉस हो गए हम इंडिया का पॉइंट। अब ये जा रहे हैं नेपाल। तो वो चल रहा है। आप फर्स्ट टाइम आए हो क्या? हाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ जी। ये देखिए नेपाल में आपका स्वागत है। ये आ गया नेपाल का झंडा, वेलकम टू नेपाल। अभी हमें यहाँ गाड़ी खड़ी करके भंसार जमा कराना है और इधर लेना पड़ेगा और अपनी गाड़ी का सारा सामान चेक कराना है। तो अभी चलते हैं यहाँ पर। तो आपको जरूर दिखाऊंगा। क्या नाम है आपका? MS बोरा। ठीक है बोरा जी, मैन सिंह जी, मिलते हैं। ये भंसार ऑफिस है, यहाँ बनेगा जी भंसार। कचनपुर भंसार कार्यालय, भंसार बोले तो कस्टम्स। चलो